बट फ्रेंड्स आज हमारे वीडियो में क्लियर पैडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल एक्शन सब्जेक्ट में जानेंगे पात्र अभिनय प्रवीण, इसको बोलते हैं रोल प्लेइंग टेक्निक। पात्र अभिनय प्रवीण शिक्षण की दृष्टि से एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कक्षा कक्ष का वातावरण आकर्षक मनोरंजन वाला हो जाता है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग करके एक अध्यापक अपने विषय वस्तु को इस तरीके से प्रभावी तौर पर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि बच्चों की जो सक्रियता है, बच्चों का जो योगदान है, बच्चों की जो भूमिका है वो शिक्षण में काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अध्यापक बच्चों के सहयोग लेकर ही कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाता है। हमने अमूमन देखा होगा कि जब हम कक्षा कक्ष में अमूक ऐसे पाठ आते थे जो कोई ना कोई घटना वाले या प्रसंग वाले होते थे या संवाद वाले होते थे, ठीक है, जिसमें विभिन्न पात्र हुआ करते थे, विभिन्न पात्रों के बातें लिखी हुई होती थी और उसको पढ़ करके हम उस पाठ को पढ़ते थे। तो इस तरह के पाठों के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हम जो उसने संवाद जो उसने भूमिका दे रखी होती है, जो पात्र दिया होता है उससे के रिलेटेड बच्चों को खड़ा करेंगे और उनको हम उस पात्र के बना करके उस पाठ को पढ़ाएंगे। तो इस प्रवृत्ति को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से कि हम कक्षा कक्ष में शिक्षण के अंतर्गत आसानी के अंतर्गत बच्चों को खड़ा करके जब किसका मौका आता है उस लाइन को पढ़ेगा एक अपने हाव भाव से अपने तरीके से, ताकि एक कक्षा कक्ष का वातावरण ऐसा रहेगा कि वो घटना उसी कक्षा कक्ष में चल रही है। इस तरीके से हम पाठ करा सकते हैं या फिर हम विद्यालय स्तर पर ऐसे पात्र अभिनय प्रवृत्ति यानी कि एक स्टेज के माध्यम से हम उस विषय वस्तु को बच्चों का सहयोग लेकर भी पढ़ा सकते दोनों तरीके। तो इस दोनों तरीकों से हम इस पात्र अभिनय प्रवृत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो पात्र अभिनय प्रवृत्ति जो होती है रोल प्लेइंग टेक्निक, इसको शिक्षण की दृष्टि से या विषय वस्तु दृष्टि बहुत ही अहम है। तो जो विषय वस्तु पर यह प्रवृत्ति लागू होती है उस विषय वस्तु को हम आसानी से व्यवस्थित तरीके से पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हिंदी के अंतर्गत कहानी होते हैं या ऐसे कोई जो घटनाएं होती है उसके संदर्भ में हम करा सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं होती है जिसमें ऐतिहासिक पात्रों को लेकर यानी ऐतिहासिक पात्रों को बना करके हम ले सकते हैं। इसी तरह से विभिन्न विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न तरीके से हम उसको अच्छे से और आसानी से पढ़ा सकते हैं, जिससे इस विधि इस प्रवृत्ति की जो महत्वता है वो काफी हद तक बन जाती है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग करने से बच्चे कक्षा का शिक्षण बने हुए रहते हैं और वे बच्चे जो पढ़ने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनको पढ़ने में कठिनाई आ रही है, जो अपना जी जुड़ाते हैं, ऐसे बच्चों को भी हम कक्षा का शिक्षण से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये है हमारी पात्र अभिनय प्रवृत्ति। अब इसको समझने के बाद हम जानेंगे कि पात्र अभिनय प्रवृत्ति कुछ प्रसंग कैसे जीवन को ले सकते हैं। तो उसके संदर्भ में प्रसंग जानते हैं, ठीक है, प्रसंग है रामायण के कुछ प्रसंग, बच्चों में अच्छी नैतिकता बच्चे सांस्कृतिक गुणों का विकास करने के लिए हम रामायण के प्रसंग ले सकते हैं। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं, भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं उसके संदर्भ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतिहास के अंदर सिकंदर एवं किसी अगर महान दूसरे से भेंट होती है उसके संदर्भ में हम करवा सकते हैं। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज रानी लक्ष्मी बाई के जीवन के कुछ प्रसंग, अगर रानी लक्ष्मी के कुछ प्रसंग है उनको हम शामिल कर सकते हैं।
है, इस तरह से महात्मा गांधी या फिर अपने कौटिल्य के संदर्भ में कोई घटना है तो कौटिल्य के संदर्भ में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न प्रसंगों को उठाकर हम पात्र अभिनय प्रणाली का बेहतरीन तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ये थी पात्र अभिनय प्रणाली होती क्या है। अब हम समझते हैं कि जो पात्र अभिनय प्रणाली है, ठीक है, इसके लाभ और महत्व किस तरीके से, इसके लाभ तो पात्र अभिनय प्रणाली के लाभ को इस तरीके समझेंगे। सबसे पहला जो लाभ है इस प्रणाली का, इस विधि द्वारा छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बच्चों को मौका मिलता है अपनी अभिव्यक्ति करने का, अपना रोल प्ले करने का, तो अभिमुखता मौका मिलता है बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ये विधि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, छात्रों में जो कल्पना करने की शक्ति है, ठीक है, उस कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला, छात्रों की मनोभावना का अध्ययन होता है, छात्रों की मनोभावना है, मन की भावना उसका अध्ययन होता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। इस विधि से चारण दोष दूर होता है। अगर छात्र में कोई उच्चारण क्षमता है, उच्चारण दोष और सूचारण दोष को किस विधि के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और अंतिम है, इस विधि से छात्रों के अध्ययन में वास्तविकता आती है, बच्चों के अध्ययन में वास्तविकता लाने के लिए, विधि लाने के लिए विधि उपयोगी। इस तरीके से इस विधि के लाभ है कि विधि छात्रों की अभिव्यक्ति का अवसर देती है, छात्रों का कल्पना शक्ति का विकास करती है, छात्रों का मनोबल और अध्ययन करती है, उच्चारण को दूर करती है और अध्ययन वास्तविकता लाती है। इस तरीके से इस विधि के जो लाभ है इसके बारे में जाना आवश्यक। तो पात्र अभिनय प्रणाली होती क्या है के बारे में आज हमने क्लास में समझा। अब इसके बारे में आपका होमवर्क है, पात्र अभिनय प्रणाली को स्पष्ट, इस तरह हमने क्लास में पात्र अभिनय प्रणाली को जाना, इसके बारे में बचा के पूर्व कर अपने अपने बेटे का स्वच्छ क्या बना रक्षित कौशल।